नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में, यानी PPE के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल या किसी भी तरह का काम करते समय हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसमें जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए काम करते समय सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल करना जरूरी है और उसके बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यह हमें कब इस्तेमाल करना पड़ता है? जब कोई पर्सन रिस्की काम कर रहा है और उसमें उसकी हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड अगर कोई काम है तो उसे डिफरेंट टाइप ऑफ PPE का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई वर्कर या इलेक्ट्रिशियन किसी वर्कशॉप में अगर काम कर रहे हैं तो उस वर्कशॉप में वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके की PPE का इस्तेमाल करे, वह डिपेंड होता है। एक अच्छे वर्कर को PPE की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो PPE का इस्तेमाल करके हम सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ PPE के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले अलग अलग प्रकार के PPE के बारे में। तो दोस्तों, नीचे दिए गए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग कर हम सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा पहला PPE क्या है। तो हमारा पहला PPE है बॉडी प्रोटेक्शन। खास तौर से हमें बॉडी प्रोटेक्शन कब यूज करना पड़ता है? जब आसपास का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो अच्छा ना हो, और साथ ही जब हमें आउटडोर काम करना हो यानी बाहर काम करना हो, तब हम बॉडी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें रात में अगर काम करना होगा तो वहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, तो उस टाइम हमें रिफ्लेक्टिव जैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर खास तौर से हाई विजिबिलिटी जैकेट पहनना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि बाहर व्हीकल्स होती है, जैसे कि कार, बाइक, बसेस, तो वहाँ पर वर्कर इजीली विजिबल होना चाहिए, इसलिए हाई विजिबिलिटी जैकेट पहनना ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या केमिकल कंटेमिनेशन हो तो वहाँ पर भी हमें बॉडी प्रोटेक्शन सूट पहनना ज़रूरी होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जैकेट है, जैसे कि लाइफ जैकेट, स्पेशल जैकेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, फायर जैकेट। ये जो जैकेट से बॉडी प्रोटेक्शन है, ये अलग अलग सिचुएशन पर यूज़ किए जाने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरे PPE के बारे में, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन में आता है ब्रीदिंग ऑपरेटर, यानी सांस लेने वाले ऑपरेटर्स। दोस्तों, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन में अलग अलग प्रकार के PPE आते हैं, जैसे कि फुल फेस और हाफ फेस मास्क, पाउडर रेस्पिरेटर, प्रोटेक्टिव हुड्स, डिस्पोजल फेस मास्क एक्सेट्रा। दोस्तों, जब हमें इस टाइप के PPE का इस्तेमाल करना हो तो हमें इसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, ताकि हम समझदारी से इस PPE का इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कब होता है? जब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस लीकेज हो, या फिर पाउडर, या फिर डस्ट या वेपर निकली हो, तो उस टाइम रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं हमारे तीसरे PPE के बारे में, जिसका नाम है हेयरिंग प्रोटेक्शन। जब आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है या वहाँ पर नॉइस लेवल बहुत ही ज़्यादा है, तो उस वक्त आपको हेयरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस लेवल है, फिर भी आप वहाँ पर हेयरिंग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर कंटिन्यूसली काम कर सकते हो। आपको अपने कंफर्ट जोन और हेल्थ का भी ख्याल रखना है। वहाँ पर आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर नॉइस लेवल कैसा है, उस अकॉर्डिंग ही आप हेयरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ईयर प्लग्स एंड डिफेंडर्स, नॉइस मीटर, कम्युनिकेशन सेट्स, एकॉस्टिक फोम। इस तरीके के हेयरिंग प्रोटेक्शन PPE का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हमारे चौथे PPE के बारे में, जिसका नाम है आई एंड फेस प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आई एंड फेस प्रोटेक्शन ना इस्तेमाल करने के कारण उनको इंजुरी हुई है।
तो दोस्तों ऐसे इंजुरी से बचने के लिए हमें आई एंड फेस प्रोटेक्शन पीपीई का इस्तेमाल करना जरूरी है, जैसे कि सेफ्टी ग्लासेस एंड गॉगल्स, आई एंड फेस शील्ड, आई वेयरिंग एक्सेसरीज। इन पीपीई का इस्तेमाल करके हमें काम करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको आई एंड फेस प्रोटेक्शन पीपीई का कब इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब भी आप कोई गैसेस या वेपर्स के साथ काम कर रहे हो, या फिर वेल्डिंग का काम कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम कर रहे हो कि जहाँ पर स्पार्किंग हो सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो आपको आई एंड फेस प्रोटेक्शन पीपीई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं हमारे पांचवें पीपीई के बारे में, जिसका नाम है हेड प्रोटेक्शन। तो दोस्तों हेड प्रोटेक्शन हमें कब इस्तेमाल करना पड़ता है कि जब कोई मटेरियल या ऑब्जेक्ट ऊपर लटका हुआ है और वह नीचे गिरने का खतरा है, तो उस कंडीशन में हमें हेड प्रोटेक्शन पीपीई का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही जब हमें किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट से यानी नीचे गिरने वाले चीज़ों से अगर बचना हो, तो हमें हेड प्रोटेक्शन पीपीई का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो दोस्तों हेड प्रोटेक्शन पीपीई इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल उसके साथ अगर टकराता है तो हमें उससे इतना खतरा नहीं होता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो हेलमेट, हार्ड हैट्स, बम कैप्स, हेड गार्ड एक्सेसरीज, इनका इस्तेमाल हेड प्रोटेक्शन में किया जाता है। तो जानते हैं हेड प्रोटेक्शन हमें कहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम चल रहा है, या फिर कोई वर्कर टनल में काम कर रहा है, या फिर ड्राइविंग करते समय हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हेड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारे छठवें पीपीई के बारे में, जिसका नाम है फुट प्रोटेक्शन। तो दोस्तों फुट प्रोटेक्शन पीपीई को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि आपके फुट और लेग्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड से बचा सके। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या क्रशिंग हो सकता है वहाँ पर, या फिर स्लिपरी सरफेस है, या फिर केमिकल है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का हजार्ड है, जैसे कि कहीं से वायर का जॉइंट ओपन है, तो उससे बचने के लिए आपको फुट प्रोटेक्शन पीपीई का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो या कोई हेवी ऑब्जेक्ट हैंडलिंग का काम हो, तो वहाँ पर हमें फुट प्रोटेक्शन पीपीई का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो सेफ्टी बूट्स एंड शूज, एंटी स्टैटिक कंडक्टिव फुटवेयर, इनका इस्तेमाल फुट प्रोटेक्शन पीपीई में किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे सातवें पीपीई के बारे में, जिसका नाम है हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन। तो दोस्तों हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने से पहले जो यूज़र है या वर्कर है उसे स्पेशल ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, ताकि जो यूज़र है उसे हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में भी उसे पता होना ज़रूरी है। दोस्तों हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट्स है उन्हें कोई कॉन्फिडेंट या एक्सपीरियंस पर्सन से वीकली हो या मंथली इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है, यानी चेक करना ज़रूरी है। जब कभी वह इक्विपमेंट अगर डैमेज है या ख़राब हो चुका है तो उसे तुरंत रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फॉल अरेस्ट सिस्टम, बॉडी हार्नेसेस, सेफ्टी बेल्ट, रेस्क्यू लिफ्टिंग, ये सारे हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन पीपीई के एग्जाम्पल है। तो चलिए अब जानते हैं हमारे आठवें पीपीई के बारे में, जिसका नाम है हैंड प्रोटेक्शन। तो दोस्तों हैंड प्रोटेक्शन पीपीई का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट या इलेक्ट्रिकल काम करते समय हमारे हाथों को या उंगलियों को इंजरी हो सकती है, तो इससे बचने के लिए हम हैंड प्रोटेक्शन पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हैंड प्रोटेक्शन पीपीई हमें कब इस्तेमाल करना पड़ता है, जब कभी अगर मान लो हीट से बचना है या कूल से बचना है, या फिर वाइब्रेशन का काम हो, या इलेक्ट्रिकल लाइव वायर का कनेक्शन का काम हो, या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट हैंडलिंग का काम हो, तो तब हमें हैंड प्रोटेक्शन पीपीई का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों ऊपर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड ग्लोव्स दिखाए गए हैं कि जो अलग अलग कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पूरे 8 प्रकार के पीपीई के बारे में जानकारी देख ली है, तो एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा बॉडी प्रोटेक्शन, दूसरा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, तीसरा हियरिंग प्रोटेक्शन,
चौथा आई एंड फेस प्रोटेक्शन, पांचवा हेड प्रोटेक्शन, छठवा फुट प्रोटेक्शन, सातवा हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन, आठवा हैंड प्रोटेक्शन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपको बहुत सी नई जानकारी सीखने को मिली होगी, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपके मन में अगर कोई सवाल हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।